व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मोहित, वीडियो कंटेंट क्रिएटर ऑफ द चैनल शेफ जसबीर। और मैं शेफ जसबीर और वानी जा रहे हैं जम्मू के अलग अलग वैरायटीज के मोमोज ट्राई करने। लेट्स सी हमें क्या क्या ट्राई करने को मिलता है। व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं आपका शेफ जसबीर और मैं हूं वानी। और आज हम खाने वाले हैं ढेर सारे मोमोज। आज हम खाने वाले डिफरेंट डिफरेंट तरह के मोमोज, जिसमें अफगानी होंगे, तंदूरी होंगे, अचारी मोमोज होंगे, कुरकुरे मोमोज, रेनबो मोमोज। जानिए कि कौन कौन सी ऐसी जगह है जम्मू के अंदर जहाँ पे मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के मोमोज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारी फर्स्ट जगह हम जा रहे हैं उसका नाम है मोमो नेशन। तो अभी हम आ चुके हैं मोमो नेशन कैफे में। यहाँ पे हमने मोमोज ऑर्डर कर लिए, आपको बताते हैं वो कौन से। एंड वन मोर थिंग गाइस, हमारी ना एक फ्रेंड हमारा पीछा कर रही थी एक्चुअली कब से। उसको जैसे ही पता लगा ना कि हम मोमोज खाने वाले हैं, वो हमारे पीछे पीछे आ गए। तो अभी वो बस आने ही वाली होगी थोड़ी देर में। तो हमारे अफगानी तंदूरी मोमोज आ चुके, जो कि वेज है और नॉन वेज में ऑर्डर किया हमने इनका गार्लिक ग्रेवी वाले मोमोज। वेज वाले तो मतलब एकदम मतलब लटपट थे, मलाई के अंदर बहुत ही बढ़िया तंदूरी फ्लेवर आ रहा था। इसमें क्रिस्पी थे बाहर से और अंदर से उतनी सॉफ्ट और जूसी वेजिटेबल्स थी, और चटनी के साथ खाने में तो क्या ही टेस्ट था इसका, मज़ा आ गया। और जो नॉन वेज वाले थे, चिकन एकदम फ्रेश, और जो ग्रेवी थी वो हल्की स्पाइसी थी, माइल्ड जैसे चाइनीज स्पाइसेस में मिक्स है। सोया सॉस का बड़ा अच्छा टेस्ट आ रहा था, विनेगर का भी। देखो कौन आया, सुपर्णा, जो मैं अभी मोमोज की हर एक बेस्ट टू बेस्ट प्लेसेस पे लेके जाने वाली है। और सुपर्णा मेरी तरह वेजिटेरियन है, तो वो भी ये मोमोज खाने वाली है। अच्छा, तेरे लिए एक ही बजाय तेरी पक्की फ्रेंड है। अब हमारा नेक्स्ट स्पॉट जहां हम जा रहे हैं वो है मोमो टेल्स। अभी हम आ चुके हैं मोमो टेल्स में, ये बहु प्लाजा में है और यहाँ पे हम खाने वाले हैं रेनबो मोमोज गाइस। हमने यहाँ पे ना इनके वेज रेनबो मोमोज ऑर्डर कर लिए थे, मैंने इसके बारे में बहुत ज्यादा सुना था और ये शायद कहीं भी नहीं मिलते सिवाय इस मोमो टेल शॉप के। और इन सब के अलावा भी इनके पास बहुत सारी वेराइटी है सुपर्णा, जैसे मुझे बताया है ना सुपर्णा। यस ऑफ कोर्स, यहाँ पे मशरूम मोमोज बहुत ज्यादा फेमस है, वो भी बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं। यहाँ की जगह जितनी देखने में अतरंगी थी उतना ही हमारा नेक्स्ट मोमोज का ऑर्डर भी था। जैसे इनके रेनबो मोमोज है ना, इनमें सब में स्टफिंग अलग अलग है यार। चीज मशरूम, इसमें कौन सी स्टफिंग है? इसमें चीज और कॉर्न है। वाओ, बहुत यम्मी है ये। इसमें पनीर की स्टफिंग है, वानी वाला पनीर वाला है। जो मोमोज है ना ये ज़्यादा स्पाइसी है, चटनी से चटनी इतनी स्पाइसी नहीं है, मोमोज के अंदर स्पाइस है। हाँ, वेट करना बहुत फिट था, अमेजिंग अमेजिंग। चलो वैसे हम ये फिनिश करते हैं, मेरे को भी खाने दो। चलो वैसे हम फिनिश करते हैं, आपको मिलते हैं हमारी अगली लोकेशन पे। हमारी तीसरी लोकेशन है मोमो किंगडम। यहाँ हमने ऑर्डर किए थे अचारी मोमोज, बट ट्रस्ट मी गाइस, यहाँ के मोमोज की चटनी काफी स्पाइसी थी। अभी हम आ चुके हैं किंगडम ऑफ मोमोज गांधीनगर के बाहर। यहाँ पे हमने ऑर्डर किए हैं अचारी मोमोज। यहाँ के जोमेटो पे भी रेटिंग इनकी बहुत अच्छी है। एक चीज की कमी है, यहाँ पे अंदर सिटिंग नहीं है और ये ऑर्डर आपको कार में भी नहीं लग रहे, तो यू हैव टू गो एंड पिक अप योर ऑर्डर। सेल्फ सर्विस है तो जाते हैं लेकर आते हैं। बस एक चीज अच्छी लगी कि अगर यहाँ सिटिंग होती अच्छी तो हम शायद वेदर को अच्छे से, मेरे को बात अच्छी लग रही थी सिटिंग में, सो हमें वेदर एंजॉय नहीं कर पाते। तो किंगडम ऑफ मोमोज से हमारे अचारी मोमोज आ गए वेज वाले, साथ में उन्होंने ग्रीन चटनी सर्व की है। मैं पूछूं एक बार मोमोज वाली चटनी है कि नहीं, साथ दे देंगे थोड़ी सी? दे दो यार, बिना रेड चटनी के तो मोमोज अधूरे हैं ना यार, वो तो चाहिए ही चाहिए। साथ में तो ग्रीन दीजिए, मांगी उनसे ला के दे रहे हैं हमें। तो ओपन करके दिखाते हैं, काफी अच्छे से ये इन्होंने ना तंदूर में किया हुआ है, बहुत सारे वेजेस डाले हुए हैं, फलियां भी डाल रखी है। टेस्ट करके पहले ग्रीन चटनी के साथ ही सर्व करते हैं। जैसे अचार का मसाला होता है ना, बिल्कुल वैसा टेस्ट आ रहा है। कोटिंग से मैरिनेट काफी अच्छे से किया हुआ है, अचार वाला प्रॉपर टेस्ट आ रहा है और स्टफिंग एकदम फ्रेश है। टिपिकल अचारी फ्लेवर आ रहा है। एग्जैक्टली, अभी तक की सबसे बेस्ट चटनी है ये। वह जो अचार का प्रोमिनेंट फ्लेवर आ रहा है ना यार, वो बड़ा अमेजिंग लग रहा है। मतलब आपके टंग पे वो एकदम से बैठ गया है, अचार का फ्लेवर इतना बढ़िया लग रहा है। उसके बाद हम गए रेडी जोन में त्रिदेव की फेमस मलाई मोमोज खाने। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं रेडी जोन गांधीनगर में। यहाँ पे त्रिवेणी नाम का एक देव है और यहाँ पे हमने मलाई मोमोज यहाँ के ऑर्डर किए हुए हैं। काफी अच्छे रिव्यू सुने थे यहाँ के मलाई मोमोज के और इनके चांप के भी, तो मलाई मोमोज ट्राई करेंगे यहाँ पे हम। गाइस हमारे मलाई मोमोज आ चुके हैं, देखो दिखने में तो ये यार काफी ज्यादा मतलब मलाई में डूबे हुए लग रहे हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल है ना वानी, बहुत ज्यादा। हाँ, और साथ में इन्होंने ये स्पाइसी वाली चटनी दी है और मिंट चटनी दी है। क्रिस्पी है और
एक बार मैं मलाई में एक बार और इसको ना डुबो के, काफी अच्छे हैं। अब एक बात बताऊं, इन्होंने ना मलाई के अंदर मेयोनेज भी डाला हुआ है यार, सच्ची बोल रहा हूँ। आप खाएंगे आपको पता नहीं लगेगा, मैं बता रहा हूँ, यकीन करो, इन्होंने मलाई के अंदर मेयोनीज भी डाली हुई है। खाने में अच्छे लग रहे, इतने बुरे नहीं है, आप आके ट्राई कर सकते हैं इनके मोमोज। बटर चिकन फैंस के लिए भी हमारे पास एक परफेक्ट मोमो स्पॉट है। यहाँ के मोमोज बहुत टेस्टी थे और इन मोमोज में चिकन की स्टफिंग बहुत भर भर के थी, और पर्सनली मैंने ये मोमोज फर्स्ट टाइम खाए थे, इसलिए मुझे बहुत बहुत टेस्टी लगे। तो हमारा लास्ट मोमोज स्टॉप था ड्रूल डिलीवरी। ओके गाइस, तो हमारा ये लास्ट ऑर्डर है, ये हमने किया है ड्रूल डिलीवरी से। ये बहुत ही बढ़िया मोमोज बनाते हैं और जोमेटो पे और स्विगी पे भी इनकी बहुत अच्छी रेटिंग है। आप लोगों ने भी काफी कमेंट किए थे कि ड्रूल डिलीवरी के मोमोज आपको डेफिनेटली ट्राई करने, तो इस बार हमने ड्रूल यहाँ से हमने ऑर्डर किए हैं चिली मशरूम मोमोज। यहाँ के पैकिंग देखो कितनी अच्छी है, और प्राइस भी आपको बताएंगे, बड़ा रीजनेबल प्राइस है इनका। ओपन करके दिखाते, ओ हाँ सच में भूल गया बताना, मैंने ना पैन फ्राइड मोमोज सेलेक्ट किए थे, तो ये पैन फ्राइड आए हैं। मैं एक्चुअली आपको बताना चाहूंगा कि मोमोज अगर आप देख पा रहे हैं, ये काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, देखिए काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। आप आउटर लेयर बड़े आराम से देख सकते हैं, इनकी स्टफिंग बिल्कुल आप देख सकते हैं काफी ट्रांसपेरेंट है, स्टफिंग भर भर के डाली हुई यार, आप देख सकते हैं। अभी तो हाफ ही खाया और फिर भी इतनी स्टफिंग और बाहर तक आ रही है। गाइस डू ट्राई दिस, इट्स रियली टेस्टी, सो यम्मी, एंड मुंह में मशरूम का फ्लेवर, वाओ। नाउ वी आर डन फॉर टुडे, वी हैड सो मच, इतना खा लिया है हमने और इतना मजा किया, और आप लोगों को भी शायद इसको देख के मजा आया होगा। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, हमने ऑलमोस्ट जम्मू की सारी मोमो स्पॉट्स को कवर कर लिया है, एंड इनमें से आपका फेवरेट मोमो स्पॉट कौन सा था ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज मोहित साइनिंग ऑफ।